गया है कि निफ्टी अभी गिर रहा है निफ्टी में जैसे ही सपोर्ट बनेगा जैसे कि बनता हुआ चार्ट्स के थ्रू यहां पर हम देख सकते हैं तो राइट हैंड साइड पर निफ्टी का चार्ट है एंड लेफ्ट हैंड साइड पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है सो so, पोजिशन देखेंगे तो बाइंग साइड का लिया गया है नाइन क्वांटिटीज ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ वन करंट पीएनएल देखेंगे तो नियर अबाउट थोड़ा सा नेगेटिव या ब्रेक इवन चल रहा है सो so, यहां पर आज के दिन क्या हुआ है बैंकिंग जो इंडेक्स है वो हायर लेवल्स होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली हाई लेवल्स देखेंगे तो मार्केट सस्टेन कर रहा है इसके बाद निफ्टी में लेकिन क्या हुआ है निफ्टी में इंट्रा हाई लगाया मॉर्निंग का ये सपोर्ट था मार्केट गिरता हुआ सेल ऑफ होता हुआ दो सेलिंग स्विंग बनाया है। दो बार सेलर्स ने यहां पर हेवीली डोमिनेट किया है तो प्रीवियस डे क्या हुआ है निफ्टी इस सपोर्ट के बाद कंटिन्यूस बाइंग साइड है गैप अप हुआ है तो गिरेगा तो कंटिन्यूअस नहीं गिरने वाला है तो एक्सपेक्टेशन यही है निफ्टी सपोर्ट सस्टेन करेगा करेंटली निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी बाइंग साइड का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है क्योंकि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है तो जैसे ही निफ्टी फिफ्टी अपना मूव चेंज करेगा हायर लो बनाएगा हायर साइड टेस्टिंग करेगा तो बैंक निफ्टी बाइंग साइड का ब्रेकआउट कर जाएगा तो यही आज का एक्सपेक्टेशन है इसी बेस पर ट्रेड को लिया गया है तो यहां पर रेजिस्टेंस को मैं माफ करूंगा कि दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन कि ये रेजिस्टेंस लेवल को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया गया इन द मॉर्निंग कि आज के दिन ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहां पर एक्सपेक्टेड है सो टेलीग्राम चैनल पोस्ट को शेयर किया गया मॉर्निंग में देखेंगे टेन डॉट जीरो जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे का जो इंट्रा डे हाई है आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन आज के दिन मार्केट ऑल टाइम या वीकली न्यू हाईस पर जाना चाहिए सो so, यहां से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है यही एक्सपेक्टेशन का हमारा ट्रेड है हालांकि काफी देर से आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड ऑलरेडी टू आवर्स यहां पर हो चुका है अगर पोजीशंस देखेंगे तो नेगेटिव ऑफ ट्वेंटी टाइमिंग देखेंगे तो नाइन फिफ्टी नाइन का लास्ट ऑर्डर है तो अराउंड टेन ए एम आज का पोजिशन बनाया गया हाउ एवर अभी तक पोजिशन हमारा नेगेटिव चल रहा है तो अगर एंट्री कैंडल को यहाँ पर मैं माफ करूँ तो दिस इज टेन ए एम कैंडल तो यहाँ का हमारा एंट्री है प्राइस बाउंस बैक किया है

ये पर्टिकुलर सपोर्ट सस्टेन होना चाहिए कि यहां से आप देखोगे कंटिन्यूसली हायर लोस है कि इस लो से ऊपर ये वाला लो है अगेन हायर लो अगेन हायर लो तो अब जैसे कि निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी है स्टार्टेड टू टू सस्टेन ऑन द बाइंग साइड तो ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है निफ्टी फिफ्टी में काफी जैसे कि स्ट्रेंथ का बाइंग आया है तो यहां से अभी फिलहाल थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड है एंड जैसे ही हायर लो कर लेकर के निफ्टी ये पर्टिकुलर हाइस को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी भी हमारा यहाँ पर बाउंस करना आज के दिन स्टार्ट कर देगा सो so, एंड

20 मिनट्स में मार्केट कुछ ना कुछ मोमेंटम यहां पर करना चाहिए सो वेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे एंड जैसे कि प्रॉफिट लॉस भी यहां पर हमारा रिड्यूस हो गया तो आगे मार्केट जैसा ही परफॉर्म करेगा मैं इसके अकॉर्डिंग आप सभी को अपडेट करूंगा ओके सो करंट टाइम इज वन डॉट जीरो फाइव पी एम एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन कि जैसे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहां से जैसे ही निफ्टी अपने हाई लो का क्रिएशन करेगा मैंने कहा था थोड़ा साइडवेज हो सकता है बाइंग साइड जैसे ही बाउंस बैक करेगा तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मार्केट में स्ट्रेंथ है बाइंग पोजिशन को बनाया जा रहा है तो मार्केट बाउंस बैक करेगा तो सिमिलर के बेस पर निफ्टी यहां पर बाउंस बैक किया है एंड सेम बैंक निफ्टी हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू मूव ऑन टू द बाइंग साइड तो करंट पी हमारा

थाउजेंड रुपीज इन टूडेज मार्केट तो अब वन फिफ्टी रहने वाला एंड इट कैन बी एनीर बिटवीन वन फिफ्टी टू से टू लैख रुपीज सो so, ऑप्शन चार्ट को भी यहाँ पर मैं ओपन करूंगा तो इट्स फिफ्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सो so, काफी देर बैठने के बाद मार्केट में मोमेंटम फाइनली हिट किया है एंड अभी भी एक्सपेक्टेशन रेशियो पर मार्केट अभी नहीं आया है सो वेट करेंगे फर्दर कंटिन्यूशन होना चाहिए ऑप्शन काफ़ी अच्छा बाउंस किया है दो ही कैंडल में काफ़ी शानदार मोमेंटम मार्केट्स ने यहां पर क्रिएट किया है सो so, वेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे एंड मार्केट आगे जैसा भी परफॉर्म करेगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा ओके सो करेंट टाइम इज 1.12 पीएम ट्वेल्व एंड करेंटली मार्केट अगेन ऑप्शन चार्ट पर देख सकते हैं एक बाइंग पुश आना स्टार्ट हो गया है तो एग्जिट ऑर्डर्स को यहां पर हम रेडी रखेंगे तो एग्जिट ऑर्डर आइसबर्ग रहेगा जैसे कि 900 हंड्रेड का लिमिट है तो थ्री लैग्स रखेंगे एंड 145 का यहां पर हम लिमिट प्राइस डाल लेंगे जिससे जब मार्केट ऊपर बाउंस बैक करेगा बाइंग साइड जाएगा तो जो भी बेस्ट प्राइस होगा उस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा सो करेंट पी एन एल इज इन पॉजिटिव ऑफ वन लैक ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज सो वेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे एंड देखिए अगर मार्केट बाइंग साइड नहीं जाता है या बाइंग साइड जाकर के अगेन सेल ऑफ होता है फिर भी मैं इस ट्रेड को एग्जिट यहां पर करने वाला हूं बिकॉज इट्स बीन थ्री आवर्स नाउ वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर पोजिशन हियर एंड ऑप्शन बाइंग ट्रेड देखिए बहुत ज्यादा हमें होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि डिके होगा अब मार्केट सेलिंग जाएगा तो फिर हाई मोमेंटम वहां पर मार्केट्स को करना पड़ेगा तो करेंटली तो प्राइस यहां पर रिडक्शन हो रहा है थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे अगर ज्यादा रिट्रेस बैक करेगा जैसे ये सपोर्ट बना रहा है अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली ऑर्डर्स को यहां पर मैं एग्जिट करूंगा सो so, इसी के ऊपर ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है बाउंस बैक करता है वी विल होल्ड फॉर अ हायर टारगेट अगर नहीं करता है तो मार्केट प्राइस पर ऑर्डर्स को एग्जिट करेंगे सो so, वेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे मार्केट करेंटली नीचे सेल ऑफ हो रहा है गिरेगा तो मैं एग्जिट ऑर्डर्स को प्लेस कर दूंगा और लोअर प्राइस डाल लेंगे जिससे ऑर्डर में कोई आज इशू ना हो सो करेंट पी अराउंड नाइनटी सो लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व ओके सो ऑर्डर सक्सेसफुली यहां पर एग्जिट हो चुका है वी हैव बुक द प्रॉफिट ऑफ अराउंड से एटी फाइव थाउजेंड रुपीज इन टूडेज मार्केट प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा कम है मार्केट नियर वन लैक थर्टी थाउजेंड भी प्रॉफिट को शोकास्ट किया बट देखिएगा कि ऑप्शन बाइंग में यही होता है आज अ ट्रेडर आपको एक्सेप्ट इसको करना पड़ेगा ये मार्केट है एंड ऑप्शन बाइंग में देखिए डिखे फैक्टर है जिसको हमें डील करना पड़ता है जैसे अगर ये फ्यूचर्स में ट्रेड होता तो मैं होल्ड करके इसको बैठा रहता बट ऑप्शन बाइंग है तो हम इसमें रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते हैं एंड कल के दिन हमारा एक स्टॉप लॉस भी था मार्केट में लास्ट सेशन में तो इसी बेस पर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए मैंने यहां पर ट्रेड को एग्जिट किया है सो so, अदरवाइज अगर नॉर्मल होती तो ट्रेड को होल्ड किया जाता बट जैसे तो ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट को डिस्टर्ब किया गया रिस्क मैनेजमेंट को यहां पर गड़बड़ किया है ऑल ओवर सारी चीजों को देखना पड़ता है एंड डिकल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन एक्सिक्यूशन

ओके okay, पोस्ट so यहां पर मैंने शेयर कर दिया है एंड सेम ओवरव्यू व्यू अब देखिए कल के दिन मार्केट जैसा भी परफॉर्म करेगा इसका अपडेट या ओवरव्यू जैसा भी मार्केट क्रिएशन करेगा तो टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में ओवरव्यू को शेयर किया जाता है सो so, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड कोर्सेज के साथ टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अगर ट्वेंटी आवर्स सेशन एंड सिक्स डेज सेशन आप परचेज करते हैं तो सिक्स मंथ का टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वन ईयर सेशन फिफ्टी टू आवर्स सेशन बेस्ट कोर्स इसलिए पर वन का टेलीग्राम एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सो so, सारी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली का अपडेट आपको मिल सके सो सी ऑल इन द नेक्स्ट बाइ टू ऑल एंड सी